So much care. I love it. I tell him not to, but still come. No, no, why not? I mean, this is what superstar care is like, na. So, मैं आपको बताना चाहूंगी कि नानी से मैं पहली बार मिली थी on a bright holy day, जहां पर मेरे मुंह पे solid color है, मैं एकदम मतलब गली के कुत्ते की तरह लग रही थी literally. नहीं नहीं not. We were too cute and आपने मेरे मुंह पे भी लगा था. Correct. Color. फिर उसके बाद तुम्हें पता है क्या हुआ? That's the story I want to tell you. मुझे चार पांच लोगों ने पकड़ा हाथ. छोड़ ही नहीं रहे. मैं मेरे को बड़ा मजा आ रहा है. मैंने कहा हाय हाय छोड़ो दैया यशोदा मैया. कहते नहीं ये हाथ हमका दे दे ठाकुर. इसी हाथ से तुमने नानी के चेहरे पे गुलाल लगाया. मैंने I'm telling you, ज्यादा ही हो गया. उस दिन मेरा हाथ कट जाता नानी तुम्हारी वजह से. हाँ, ये कौन है ये लोग? India wants to know. I'm telling you. So we start always with a grand welcome. This is your first time. I'm assuming in Mumbai. और उस दिन मैंने नानी से कहा था कि please come to my studio. It's quite mad here. Yeah. Take the flowers. Take the wishes. You are right. Yes. And also take our shayari. Are you ready? I am ready. अर्ज किया है. अर्ज किया है. वाह. इरशाद बोलते हैं. इरशाद. इरशाद. हाँ हाँ. हाँ. पहले नानी उसे कहते थे जिसने माँ को जन्म दिया. पर इस नेचुरल स्टार नानी ने बदला उसका मीनिंग. हाय दैया ये तुमने क्या किया. अरे रे रे. साउथ से मुंबई में रखा है पहला कदम ये तो छाएंगे. रेड एफएम स्टूडियो से हो रही है शुरुआत बोले तो ये तो मचाएंगे. लिटिल मुंबई हैज बीन पुट इन द ओके. हैदराबादी बिरयानी की तरह मसालेदार लिया है इन्होंने Forever subscription of Jawani. आज रानी को मिलने आए नेचुरल स्टार. क्या बात है. It doesn't get old. Now I want to start with telling you कि नानी के लिए ये क्यों everything is not like extremely new because नानी has been on the radio himself. हमारी पूरी कायनात ही खुश हो गई कि नानी has done. It was World Space Radio. Satellite radio. And you talked on it. Yeah. You had this beauty. I had this show called Nonstop Nani. It was the afternoon time and I was a bad RJ. Not so amazing like you, but I used to somehow manage. I used to work for pocket money. Yeah. And now look at it. I'm sure now when you walk like money. Arey, ye kya hua? Arey, that's Arey. Utna bhi nahi hai. Abhi, still not yet. So, ye natural star naam aapko kaise pada? Though we've read enough about it, we just want to hear it from you. Because I automatically keep saying natural star Nani and I'm like, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है मेरी जनता को बताएं तो मैं ऐसे क्यों कर रही हूं. अभी बताऊं? प्लीज बताओ. ठीक है. तो शुरू में जब मैं एक्टिंग स्टार्ट किया तो ऑडियंस सब लोग मेरा एक्टिंग को थोड़ा सटल मानते थे. यू नो दे यूज्ड टू लुक एट इट लाइक मोस्टली इट वाज अ लिटिल एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ इट वाज अ लॉट ऑफ पीपल वर डूइंग अ लिटिल मोर लाउडर परफॉर्मेंसेस बट द स्क्रिप्ट्स आई चोज और जिस काइंड ऑफ एक्टिंग मैं कर रहा था वो थोड़ा सटल था. तो सब बुलाने लगे ये नेचुरल एक्टिंग करता है. अच्छा. नेचुरल एक्टिंग नेचुरल एक्टर बन गया. नेचुरल एक्टर दो तीन फिल्म के बाद नेचुरल स्टार बन गया. तो ऐसे ही. और आई डोंट बिलीव इन दिस टाइप. आई डोंट लाइक पर्सनली माई सेल्फ. आई ट्राई टू get rid of it but अगर इतने प्यार से बुला रहे तो अभी उससे ज्यादा फाइट करके क्या फायदा. I feel like you're almost a reluctant star. Actually, when I'm on the holy yes, day also, I saw you. This is a nice one. Yeah, I am a reluctant star, Nani. Reluctant star, Nani. उनके इधर ऐसे लोग खड़े हैं and I can't see him. So I'm like, कहाँ है नानी? कौन से वाले? Because there are enough दाढ़ी people, ना? और ये येलो में खड़े हुए हैं. But he's in the center of this madness. मुझे लगा ऐसे मतलब guns वंस तो and then suddenly ऐसे उजाले की तरह and people are trying to protect him and he's like, no, no. तभी actually stage पर मैंने भी सोचा कि मैं color लगाऊंगी तो ये मुझे ऐसे audience में मुझे याद है आपने पूछा और you are not very sure. You asked me. I remember. I was like, what if he's... Can I put it? You said, of course, yeah, it is holy. I said, yeah, yeah, I know, thank you. Because I thought you were a little bit of a, may I say it? May I be? Yeah, I thought you were a little bit khadus. खडूस? मुझे ऐसे लगा क्यों नॉट क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट वाज अराउंड यू. आई सेड ये खड़ूस होंगे और इनको मैंने करल लगाया तो बाकियों की मतलब झाड़ पड़ेगी. बट इन्होंने जिस तरह से गाल आगे बढ़ाया ओहो ऐसा स्लो मोशन में गाल आ गया. सो आई जस्ट वांट टू फॉर द रिकॉर्ड टेल यू वेरी 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 स्वीट मैन. जस्ट शादी हो चुकी है भाई साहब. व्हाट इज दिस नानी? अभी मैं क्या करूं? साउथ इंडियन स्टार्स बहुत जल्दी शादी कर लेते हो यार. हम आपके प्यार में पड़े तब तक
नॉर्थ वाले नहीं करेंगे क्या? नहीं बहुत जल्दी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। ओ यहाँ से जल्दी साउथ। हाँ हाँ हाँ, यू ऑल आर लाइक व्हेन यू ऑल कम टू द स्टारडम वाला। 28 था मैं जब मेरा शादी हुई। अल्लाह, 28 तो उतना जल्दी नहीं है ना। स्टार के लिए चाइल्ड मैरिज है ना। हम अभी let's talk about Dasara and the fact that you're coming up with one final like a pan India movie. Hame Dasara ke bare mein bataiye. Aapka look to usme, of course it's very opposite to the typical hero that we see in Hindi films, for example. Correct. Unless they are playing a particular kind, like a coal miner, like you're doing. Correct. Dasara ek bahut hi rooted story hai. Telangana ke ek rural corner ka story hai. Godarkani hai wo place ka naam, Birlapalli. तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशंस, और बिकॉज ऑफ द कोल माइंस आई थिंक वो पूरा सेटअप बहुत बहुत एक्साइटिंग होगा। और इट इज लाइक यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग हाउ इट वर्क्स देयर, हाउ द पीपल आर देयर। सो इट इज अ जितना वो पूरा कल्चर नया है मुझे फ्रॉम हैदराबाद, उतना ही नया लगेगा आपको भी। तो मैंने सोचा कि उसका इमोशन बहुत स्ट्रांग है, उसका एड्रेनलिन बहुत स्ट्रांग है, और द काइंड ऑफ स्टोरी, द वे इट इज नरेटेड इज एब्सोल्युटली अ थिएट्रिकल एक्सपीरियंस। तो इसीलिए इतना एग्रेसिवली यू नो अक्रॉस द कंट्री हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत भरोसा है कि सबको बहुत मजा आएगा बिग स्क्रीन में देख के। Do you like promoting films? मतलब आपको मजा आता है? Not generally, but this time no, because I haven't done like this before. No. एक वेट अ मिनट, don't jump into conclusions. I'm enjoying this. ये प्रमोशन शुरू करने से पहले बहुत डर रहा था कि कैसे करूँ इतने सारे स्टेट सिटीज ये सब घूम के, मगर एक बार शुरू हो गया तो अब बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें मिलने को आया, most importantly, yeah. अरे, but I want to understand Hindi. It doesn't come naturally to a lot of people who don't live, you know, say in the northern belt or whatever. आपने कब और कैसे और कहाँ कैसे सीखी रेडियो? अभी अभी जो हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है आपको? मैंने तो स्टेज पर ये भी पूछा था, so yours, my, I have a lot of trepidation around Nani. मैं कलर लगाऊं, आप हिंदी बोलते हैं, मैं कलर लगाऊं, he's like, आया आप हिंदी बोलते हैं ताकि मैं आपसे पगा, if you don't speak Hindi, he's like, हाँ थोड़ा थोड़ा, then he goes into the crowd and he's like, Nani, टपोरी हिंदी बात करने लगा मैं तो, आती टपोरी हिंदी आती है? हाँ, वो मुन्ना भाई वाला आती है। सीरियसली एक लाइन सुना दो। क्या यही है जो तब से जो सुना रहा हूँ वही है। हाँ, आप उनको इतना ही चाहता है वो देर थोड़ा, मेरा उतना मुन्ना भाई का भी नहीं है, मेरा वो हैदराबाद हिंदी है जो थोड़ा उर्दू और थोड़ा हिंदी मिक्स है। जैसे कैसे हैदराबाद में बात करते हैं, तू इधर ही स्टेयर, मैं अब भी आता हूँ, क्या कर लेता रे। हैदराबाद में है तो ये सब पता चल जाएगा, मगर वो आई हैव बीन वॉचिंग हिंदी फिल्म्स आल्सो ऑल माय लाइफ, सो आई थिंक सडनली फ्यू वर्ड्स आई विल स्पीक प्रॉपरली एंड सडनली आई थिंक फ्यू वर्ड्स आई विल स्पीक लाइक दैट, सो इट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, आई जस्ट नीड टू गेट सॉर्टेड दैट आउट। वी से इट, आई वाज जस्ट सेइंग कि कंटारा वाज दैट मूवी जो इतना डीप रूटेड कल्चरल था एंड पीपल सॉ अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ कल्चर, इट वाज नॉट जस्ट शैलो, करेक्ट, और भी कितना कुछ है। सो इज दिस, डू यू थिंक दिस इज something what people are ready to accept and maybe this is also in that space? No, I think we हाँ, मुझे तो लगता है कि कभी भी अगर हम जब एक नया कल्चर, एक नया वर्ल्ड के बारे में जानने का चांस मिले तो वो बहुत ही एक्साइटिंग होता है कभी भी। अभी देखिए आप, वो कुछ नेबरिंग स्टेट का हो सकता है और किसी अदर कंट्री का हो सकता है और किसी अदर प्लेनेट का भी हो सकता है। अभी अवतार देख रहे थे, उसमें पैंडोरे के बारे में पता चला। अच्छा, वहाँ पे ऐसी ट्रीज है, ऐसे एनिमल्स है, ऐसा कल्चर है, कितना एक्साइटिंग था। अभी आई एम श्योर फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री दैट रूरल तेलंगाना इज द पैंडोरा नाउ एंड इट इज अ वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर यू टू नो, ओ दसरा इस काइंड की ट्रेडिशन से मनाया जाता है रूरल तेलंगाना में, लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे बात करते हैं और उनका इमोशन ऐसा रहता है। सो इट्स ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग टू नो, इट्स नॉट वेरी वॉयरिस्टिक, आई एम सेइंग वेरी एक्साइटिंग टू नो अबाउट समवन एल्सेस कल्चर एंड अंडरस्टैंड देम, फील देयर इमोशंस, लिव इन इट and experience it and come out and say I know those people. I think that's a great feeling. Yeah, that's amazing. And also is that again like I'm trying to ask you whether the culture of cinema is also changing, kyunki bahut aise
ऊपर ऊपर की पिक्चरें आते हैं, ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है. डू यू फील दैट एज वेल कि यू नो वी हैव टू सर्व देम समथिंग डिफरेंट? आई थिंक वी हैव टू सर्व देम नॉस्टैल्जिया. इट्स टाइम टू सर्व देम नॉस्टैल्जिया, बिकॉज अगर जब भी हम छोटे थे, आप DDLJ देख के घर को गए, आप कुछ कुछ और देख के घर को गए, वो हैंगओवर रहता था. दो तीन तक आप उसके पिक्चर के बारे में सोचते थे, जो भी इमोशन था आप फील होते थे. अभी तो डोर के पास छोड़ के आ जा रहे बाहर, राइट? तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया को रिमाइंड करने का टाइम आ गया. अभी वी हैव टू मेक आर ओरिजिनल फिल्म्स वेयर द इमोशन टेक्स द फ्रंट सीट, नॉट द टेक्नोलॉजी, टेक्निक और एक्टर्स. सो आई थिंक दसरा स्कोर्स देयर. जय बात बेबी डॉल, गिव मी अ कॉल. DDLJ रेफरेंस आपने कुछ दिनों पहले भी दिया था, जब किसी ने पूछा था कि ये जो है आपको पुष्पा की याद भी दिलाता है बहुत लोगों को. बहुत कंपैरिजन है. क्या बोलना चाहेंगे आप जो आपने अब तक नहीं बोला? मैं ऑलरेडी बोल दिया सब कुछ. अगर जो भी अभी भी इतने बार बोलने के बाद भी जो भी सोच रहे है कि ये क्या पुष्पा का जैसा है, तो सोचो, वही सोच के आ जाओ थिएटर को. क्या कुछ कोई मुश्किल बात नहीं है, आ जाओ पुष्पा देखने के लिए. मगर आपको मैं दसरा दिखा के भेजूंगा. आज बड़े फूल मारने का मन कर ना. टेल अस अबाउट योर बचपन ना थोड़ा सा नानी. मैं चाहती हूँ कि मुंबई आपको अच्छी तरह से जाने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्लान है, इरादा है कि आप यहाँ आकर बस ही जाए. हाँ, बस ही जाऊँ. अच्छा, वो देखेंगे कैसा चलेगा. मगर अब तक तो ट्रैफिक बहुत प्रॉब्लम है. इसका कुछ करो आप, तब मैं आ जाऊंगा यहाँ पे. तुमने मेरा गाना सुना था, वो वाला खड्डों के बारे में? आप ही को सुन रहा हूँ 1.5 hours से ट्रैफिक में. चाइल्डहुड तो आई वाज अ दिस वीक. मेरा एक 10-15 कजिन्स है, सब अच्छे पढ़ते हैं. मैं कभी पढ़ता था नहीं. तो मेरा अब सबको बोलते थे उनके पेरेंट्स, अगर नहीं पढ़ोगे तो उसके जैसे बन जाओगे. कौन है वो जो बैकग्राउंड? Somebody is giving nice background score. Yeah, suits for the mood. So I was a bad example. But suddenly one rainy night I turned into a good example. Without my knowledge. Without me realizing it. So, I always a childhood से cinema का बहुत शौक है, बहुत big. फैन हूँ किसी भी लैंग्वेज का, कोई भी फिल्म. फिल्म सिनेमा वाज ओनली थिंग व्हिच एक्साइटेड मी. और वी द काइंड्स दैट लाइक स्टोल पॉकेट मनी या जो भी है, इन्वेंट एंड वॉच पिक्चर. नॉटी बॉय ना यू आर. लॉट ऑफ एवरीबॉडी इज नॉटी. फ्यू हाइड इट वेल, फ्यू कांट. व्हिच वन आर यू? कौन से हो आप? हु ट्राइड टू हाइड एंड फेल्ड. सो आई डिसाइडेड व्हाटएवर आई डू इन लाइफ आई विल बी इन सिनेमा. नीड नॉट, इट वाज नॉट फॉर द सक्सेस, इट वाज जस्ट टू बी इन द प्रोसेस. So I was okay. I've joined as an assistant director, and I was okay being an assistant director also all my life. But as long as I work in cinema, so aisa shuru hua tha journey. Magar ये पूरा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स. आपका चेहरा देख के कहा, अरे इसको थोड़ा मतलब स्क्रब अप कर दो, एकदम सुंदर लड़का है, क्या है मतलब. हाँ, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस थे, बट अनएक्सपेक्टेडली एक्टिंग भी स्टार्ट हो गई. और बहुत सारा प्यार मिला, इतना सक्सेस मिला, नेवर एक्सपेक्टेड. आई एम सो हैप्पी सिटिंग विद मलिष्का राइट नाउ. आई हैव रीच्ड, आई थिंक आई हैव अराइव्ड. आई कांट टेल इफ यू पुलिंग माय लेग ऑर नो. यू माइट बी राइट. या आई नो आई एम राइट विद द फुल ग्रेट ऑनेस्टी आई एम टेलिंग यू. या थैंक यू. बट क्विकली क्वेश्चन बिफोर आई मूव टू माय रैपिड फायर. ये आपके जो 15 कजन है ना, ये टिकट खरीद के जाते हैं पिक्चर देखने? हाँ, गारंटी खरीदना पड़ता है. अभी यहाँ पे रहते तो मुझे पूछते थे, मगर ये सारे 15 अभी अमेरिका में है, जॉब कर रहे हैं, तो टिकट वहाँ पे कोई फ्री नहीं देता, टिकट खरीद के जाना पड़ेगा. अच्छा, ऐसा. तो मेरे वॉइसेस पूछ रहे थे, जरूर पूछेंगे बिफोर यू लीव कि हमको भी खरीदना पड़ेगा क्या. हाँ, लेट्स मूव. हाँ, आपको नहीं, आपको फ्री टिकट. आर यू रेडी? रेडी. देखा है ना, करण जोहर वाला रैपिड फायर ये वैसा बिल्कुल नहीं है. क्यों? क्यों हैम्पर नहीं है? करेक्ट. हमारा एक है, हम पूल पिक के मारते हैं. बस पूल है. But you can also do it if you don't like a question, you can hit us back. Not a whole flower, ना नानी, मतलब you have to take a petal. Petal.
फूल पड़ेंगे नानी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है सच बताना कम सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन है सबसे बड़े हमको नहीं मालूम तुम बताओ शाहरुख खान हो तो यू कैन से बट आई डोंट नो आई मीन नो नो टेल मी फ्रॉम द साउथ सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है डोंट से माय सेल्फ हां दैट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाले वाला नको हां मलिश के इज में कॉम्पिटिटर वी आर ऑल हैव सी कॉम वी आर हैविंग कॉम्पिटिशन ऑफ थ्रोइंग पेटल्स राइट यू एक्चुअली थॉट ऑफ द नेम यू थॉट ऑफ द नेम एंड देन यू सेड यू आर नॉट गोइंग टू सी इट गिव अस अ नेम नो वी आर एक्चुअली हैविंग अ कॉम्पिटिशन हियर कैन यू से इट My competitor is okay. I don't want to give one. See, I can't say a name because I really am in a this different route which nobody in the track I am going. I'm not saying I'm above anyone or anything like that. But in the kind of films I have decided to do and the kind of route I want to go, there is, as of now there is nobody traveling in that direction. Okay. When somebody comes in, I'm very glad to announce it to the world. I will accept this answer. Yes. You tried. You tried. Thank It's you. A yes. Miss India crown yes. for sure. Yes. Thank you. All right. One movie जो आप जिसका part होने में आपको बहुत मजा आता क्योंकि आप अरे एक picture है तमिल में बनाया गया है जय भीम मुझे जब मैंने वो picture देखा मैं सोचा कि अरे एक picture ये वाली हाँ ऐसी picture एक करना था हिंदी में किसी हिंदी में हाँ हिंदी में गली बॉय And you'd fit it well. I'll look like the boy from Gali. That your song also says yeah. that. I saw the translation. Doom dam dos yaar. Yeah. You'll sing it for us in now. Doom dam dos yaar, naach gao silk bar. Doom dam dos yaar, naach gao silk bar. हाँ. बाकी का गाना आप सुनो मलिश का किशोर. तेलुगु में मैं बोलूँ. वो तेलुगु में. Doom dam dostan, iraga marga che dam. Doom dam dostan, iraga marga che dam. I wanted to say it. Irga marga cheddam. Irga marga cheddam. Doom dam dostan. 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 Irga marga cheddam. Perfect. We both learn from each other. We both learn from each other. That's why. All right. Tell us a crazy fan moment because ये तो हमें जानना है किसी ने कुछ अजीब सा तो किया ही होगा अब तक नहीं किया अजीब अजीब फैन मोमेंट्स तो होते रहते हैं अभी क्रेजी वन दैट इधर किसी फैन ने अभी फॉलो वीडियो करके फॉलो करके पूरा हाउस मेरा घर का घर के लोगों को कुछ कुछ लाई बोल के मिल के उनका ये सब वीडियो लगाया था like, हाँ कुछ झूठ बोल दे कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ आपका वीडियो लेना है नानी नाना बेस या ये रिकॉर्ड करने के लिए पूरा घर पूरा मेरा घर का रूट और किस तरफ से जाना है सब पूरा अनाउंसमेंट यूट्यूब में उस पे ऑलमोस्ट लाइक यूट्यूब को इन्फॉर्म करके वो वीडियो निकालना पड़ा अरे केस वेस नहीं किया नानी आपने हाँ केस क्यों यू आर सो स्वीट व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू टायर से ही किया ना तो मगर अच्छा काम नहीं है तो निकाल दिया गया घर पे कौन था मेरा नानी ओ यार नानी के घर पे नानी थी तो आना मेरे इनोसेंट नानी ने पूरा अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताया उसको नहीं एवरीथिंग कब आता हूँ क्या खाता हूँ और कब चले जाता हूँ घर से सब वेरी एक्सट्रीमली इनोसेंट किसी के घर के मंदिर में आपके बाल बाल लगे हुए नो आइडिया Nani's day is incomplete without. Mera without cinema. एक चीज जो आपको पता चली about the हिंदी film industry जो आपको पता नहीं थी. Airport में photographers wait करते रहते हैं. हाँ हाँ. It's called what is it called? Paparazzi. But what is it called? Airport. Oh हाँ ये तो आपके airport look के लिए अच्छा ये वहाँ नहीं होता. हाँ नहीं एक ये मैंने देखा कि photographers रहते हैं. यू नो पिक्चर्स निकालते हैं क्योंकि मैं सोशल मीडिया में देखा मगर रिसेंटली पता चला कि वो ही बुलाते हैं उनको yeah, वो पता नहीं था मैं सोचा वो वहाँ पे रहते किसी एक्टर गया तो फोटो निकालते मगर एक्टर ही बुलाते वो नहीं पता तो नानी अब से तो आपका भी होने लगेगा तो मैं भी बुलाऊंगा अभी नया आएंगे बिना बुलाए तो बुलाना पड़ेगा क्योंकि सब कर रहे हैं आई हैव गॉट सो मेनी एडजेक्टिव फॉर नानी लाइक रिलक्टेंट स्टार ऑनेस्ट स्टार
डाउन टू अर्थ स्टार, मुंबई या गली बॉय स्टार बजाते रहो. वन थिंग अबाउट योर इंडस्ट्री, एज इन व्हेन आई से योर इंडस्ट्री आई मीन द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, जो हमको जानना चाहिए. अब मिलाप हो ही रहा है इस लेवल पे तो भाई. अबाउट तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, इफ सिनेमा इज ऑल अबाउट यू नो मेकिंग इट वेरी व्हाट डू आई से एंटरटेनिंग और बिगर, आई थिंक तेलुगु सिनेमा इज ऑलवेज बीन ऑन द फ्रंट रो. सो वन थिंग यू नीड टू नो अबाउट तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री आर वी सर्व अमेजिंग फूड ऑन लोकेशन. Really? Amazing food, mad food. I've been here, I've shot a few ads and all, but I've been into different states, I've been for work. But when you're shooting in the Telugu land, in both the states, the food we serve on location at shoots is amazing. Bhai sahab, batao. And on that note, very good. This is a great time to, I'm very upset that you have our... सेट्स पे अच्छा खाना नहीं मिला. बट नहीं 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 अच्छा नहीं, नॉट अच्छा मतलब नॉट एज गुड, अच्छा है ये, मगर ये वो एक पांच छह एक्स्ट्रा आइटम्स रहेंगे. और पर आप यहाँ पे बुफे टाइप है, करेक्ट, वहाँ पे पूरा आपको डाल के आपको फोर्स करेंगे खाने के लिए. It's like a पंजाबी मधो. हाँ, वो टाइप. So on that note, I just quickly want to ask you, पहले तो जिम विम जाते हैं क्या? Boy, you eat anything or are you? नहीं नहीं, every 9 months एक 10 दिन जाता हूँ. Every 9 months जब कोई बोलता है कि हाँ, I can see your paunch from t-shirt, then 15 days I'll go. Oh my god! Again 9 months break. Because we have a special treat for you that we're hoping that you will. Because Mumbai mein aaye aur bhai saab, Mumbai ka vada pav nahi khaya to kaise chalega? I would love. Of course. It's assembled. We wanted you to assemble it, but now that you. Assembled is better because I'm hungry. Please jala photo lena. As you might see. So you just eat direct, no, with this whole bite. No, yeah, you can put the chutneys if you want. Though that and you can directly eat also, right? Yeah, you can. And a biter. Yes. And hi. Nani ko khila rahi hai vada pav. Nani. Ah, maza aaya. Vada pav beats our food also. You're lying. No, very nice. Thank you, but this is like, have you eaten vada pav ab tak hamare shehar mein? Yeah, nahi. Vada pav. I no, Hyderabad mein vada pav. You don't feel like saying Malishka tum bhi khao? मलिश का तुम भी खाओ. मैंने सोचा आपका नहीं नहीं, क्योंकि यू जस्ट वांटेड मी टू टेस्ट. नो नो आई वांट नो नो प्लीज यू बोथ, दीज आर ऑल फॉर यू. लेट्स बोथ मेक साउंड्स ऑन द माइक. दैट आई कैन. इन द ट्रैफिक पीपल विल स्टार्ट वंडरिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द रेडियो. आई लव मेकिंग. यू कैन हियर सम साउंड. आई एम जस्ट गोना ईट द वड़ा. लेट्स गो 1 2 3. लेट्स मेक द साउंड. विल डू अ कांटेस्ट. Hold the whole thing. It'll be a nice picture. So make sound. Hold the whole thing, Nadi. 1, 2, go. Yeah. What are we up to in the studios of Red FM 93.5? Alright, while you're doing that, I want you to eat it only because I'm going to now teach you some words in Mumbai that you might want to know. Haan, but I'm sure you know them. Not that aap kabhi rikshaa mein baithe. Rikshaa mein baithe hain? All my life. What gaadi are you driving right now? Mera gaadi Rover hai. We're always looking for a driver. What is this, yaar? रिक्शा में बैठे हैं. रिक्शा में, अरे जिंदगी भी रिक्शा में ही बैठे. कितनी अच्छी स्टोरी है यार. हमको भी ऐसी स्टोरी चाहिए एट द एंड ऑफ लाइफ. होगा डेफिनेटली फ्यूचर. अभी आज ही नहीं होगा ऐसे स्टोरीज. आज शुरू होगा. मैं आशीर्वाद तो देख के गए. ओके, बट इन केस यू सैट इन अ रिक्शा एंड आपको पैसे कम पड़ गए और आपके लोग आस पास हैं, बिकॉज यू मतलब पैसे तो कैरी नहीं करते होंगे आजकल जीपे के समय, सो हाउ विल यू से कि थोड़ा कम करो ना. यू से भैया इतना क्यों? यहाँ तक क्या है ना. हाँ, ऐसे ही ना बार्गेन करेंगे. हाँ, इमेजिन बार्गेनिंग में तो रिक्शा ड्राइवर भैया कल तो 10 रुपए में वहां तक लेके, वो आप यहाँ तक के लिए 20 रुपए
पूछ रहे हैं, टू मच है भैया. Now you're pissed off with somebody and because you're a Mumbai gunda type boy and you're telling him ke tu khud ko shana mat samajh. How would you do it? Same thing. Kya soch raha hai apun ke bare mein? I think the head will do it. Khud ko shana mat soch. Tu idhar hai stair, main abhi aata hun. Oh, let me do it in Marathi. Just in case. I know something in Marathi. Che? What? Say. Yeah, I need to say. Say no. I think it's the right time. See? गुडी पाड़ेचा शुभेच्छा सम. Oh my God! Well done. It is good. Tomorrow means today, na. गुडी पाड़ेचा शुभेच्छा. शुभेच्छा. That's all. Say again. गुडी पाड़ेचा शुभेच्छा. Very well done. Very well done, Nani. I love that you eat a whole vada pav. You're not like, but You don't want to? No, I want to, but like मैं बातें भी तो कर रही हूँ. You will get away with talking with vada pav. They'll love you with your They love me also. I forgot. What the hell am I saying? 30th को दशहरा रिलीज होने वाली है. It's going to release pan India and people are already in love with you. I saw that at that space. What would you want to tell people about दशहरा? कैसी कैसा मतलब what kind of intention do they take into the cinema and go? क्या है पिक्चर में वो ये तो सब लोग बोलेंगे. मगर I want to just make this promise where Next time I come here, you can ask me about this promise if I fail. I love if it. If you go to the theater, I promise you will absolutely love the film, love the experience, share it with your friends, share it with your family, watch it again and again and again. And when I come next time, Bapri. You will say, you made the promise and you kept it. Dude, that's a big one to me. Nani, I already love you enough. Like, I feel like you're my friend by now. Like, I'm scared for you. Scared. नानी है वो सब या मुंबई तक नहीं आएंगे उनको लेके जाऊंगा. जस्ट बिफोर यू गो आप जनता को आपने मुझे तो प्रॉमिस कर दिया बट प्लीज इनवाइट देम टू द थिएटर्स टू वॉच दशहरा. या मार्च 30th दशहरा एक पूरा पैसा वसूल और ऑल्सो दिल को छुएगा. फ्रेंडशिप बैंड निकालो. डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई फील आई टेक आउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंड्स इन दिस स्टूडियो. बट थैंक यू सो मच नानी. वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म. द जनता इज रियली 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 लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. एंड डू यू हैव एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल द बॉलीवुड फिल्म स्टार्स? आई लव ऑल योर वर्क. डूइंग ग्रेट जॉब. कीप इट अप. I'm here. And I'm here. We'll catch up. We'll catch up. आपके कोई दोस्त है by the way in the industry? Bollywood. हाँ, राणा को Bollywood नहीं कह सकते, मगर अभी शायद we spoke once. दोस्त नहीं कह सकता हूँ. दोस्त नहीं है. Well, we've started with me. Welcome to Mumbai, Nani. I know. Mumbai ki Rani has started the thing and it's going to happen very, very soon. Shah Rukh Khan is definitely going to call you to his house because it works like that. Huh. I saw it and it's on the beach, no? His house. No, that's Juhu. But yeah, it's on the beach. From there, if you sit, you can see lovers making out in this. But why would you want to do that? Yeah, exactly. No, but yeah. Why not? Never mind. Is there one thing in Mumbai you absolutely want to see? I want to see what is that road to get to see the great sunset? Marine Drive. अरे बाबा अभी से ही बंद हो गया. Please take him immediately. 5 महीने के लिए Marine Drive बंद होने वाला है. अक्का क्यों? क्योंकि BMC they are doing that coastal road का. He told me today यहाँ से वहाँ से मैंने कहा भाई साहब the only reason I went to town is to go through there. And Nani should see our sunset before leaving. 100%. Before seeing that and if you go to Shah Rukh Khan's house then you have to look down there क्योंकि आपको वहाँ पे lovers नजर आएंगे जिनको bum पे crabs काटते हैं. So Shah Rukh Khan वो जो बाहर आते हैं वो ये देखने के लिए. नहीं, मैंने सोचा फैंस के लिए. उनके छत के ऊपर मैंने उनको पूछा हुआ है. He's like, yeah, he tries to be decent about it. He's sweet. Shahrukh, I love you also. Yeah, I love sir. Don't forget natural star Nani, reluctant star Nani, super honest star Nani, and my friend Nani. See this man? Yeah, that is mine. मलिश्का गेम में मतलब इफ आई अगर मुझे बीच रस्ते पे इफ आई एम लाइक डाइंग ना ये असली लाइफ में फाइटिंग करते हो क्या जरूरत पड़े सच्ची. हाँ अभी तक नहीं किया. करने वाला हूँ. ऑलराइट इफ यू रिक्वायर दैट इज माय फ्रेंड नानी एंड हिज फिल्म रिलीजेस ऑन द 30th ऑफ मार्च एंड आई कांट वेट फॉर ऑल ऑफ यू टू सी इट. एंड आई होप कि वो अगले कुछ दिन में हमारे पास आएंगे एंड वी विल डू अ रेड करेगा थिएटर फुल. दैट विल बी सुपर्ब. थैंक यू सो मच.